सबसे पहले जो इस वक्त बर्निंग इशू हमारे गुरेज तुलैल में है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीटीसी तुलैल ने गुरेज की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में गंभीर कमी के मुद्दों पर प्रकाश डाला। इस क्षेत्र में शिक्षकों की भारी कमी है, जिससे छात्रों की शिक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षा निदेशक को इन चिंताओं से अवगत कराने के बावजूद इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। गुरेज की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भी मेडिकल स्टाफ की कमी के कारण गंभीर तनाव में है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। डीटीसी तुलैल ने गुरेज के लिए एक समर्पित ट्रांसफर नीति की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि इन चल रही समस्याओं को कम किया जा सके और दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त स्टाफ सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त डीडीसी तुलैल ने उल्लेखनीय किया है कि इस वर्ष गुरेज में एक भी ब्लॉक दिवस नहीं हुआ है, जबकि सामान्यतः अब तक 2 से 3 ऐसे कार्यक्रम हो चुके हैं। ये कार्यक्रम स्थानीय मुद्दों को हल करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है और उसकी अनुपस्थिति को समुदाय द्वारा गहराई से महसूस किया जा रहा है। उन्होंने गुरेज के शरणार्थियों की दुर्दशा की ओर भी ध्यान आकर्षित किया, उनके अधिकारों के लिए समर्थन की मांग की। संयुक्त चुनौतियां इस बात पर जोर देती हैं कि आवश्यक सेवाओं को बहाल करने और समुदाय को प्रणाली ढंग से समर्थन देने के लिए सरकार का तत्काल ध्यान आवश्यक है। लेकिन वो टस से मस नहीं हुई है और इस बात को समझने से मैं कासिर हूं कि एक ऑफिसर जो चेयर पे बैठा हुआ है वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी लेने से इनकार कर रहा है। जहां तक मेरी नॉलेज में है, उन्होंने कभी बांडीपोरा तक का भी दौरा नहीं किया। हालांकि मैंने उनको स्टार्टिंग में ही कहा था, 3 साल से ज्यादा वक्फा उनका हुआ है एजुकेशन डायरेक्टर तसदुक साहब को, लेकिन कभी उन्होंने जहमत नहीं की कि गुरेज तुलैल जैसे दूर दराज इलाके में वो जाएं, वहां के स्कूलों की हालत देखें। आनन फानन उन्होंने यहाँ पे ATD इंट्रोड्यूस कराई, जिसमें हमारे कुछ टीचर लोग हमारे स्कूलों में भेजे गए थे, हमारे वहाँ से रिप्लेसमेंट के तौर पर टीचर्स और मास्टर्स वहाँ की पोस्टिंग कर दी गई थी, लेकिन उनको भी आनन फानन, उन टीचर्स और मास्टर्स को भी वहाँ से निकाला गया। इस बात की मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। इसके पीछे इनका क्या मकसद है, इसको ये वाजा करें लोगों के सामने। और हर बार हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेहरबानी करके जितने अटैचमेंट्स आप लोगों ने करके रखी है ऑफिस के अंदर या किसी अप्रोच में आप लोगों ने अटैचमेंट्स कर रखी है, आप उनको कैंसिल कर दीजिए। खासकर एक RRT जिसकी एक पर्टिकुलर पोस्ट में, जिस स्कूल में जिसकी पोस्टिंग होती है, जिसकी अपॉइंट होती है वहाँ पे, उसको वहाँ पे किस बेसिस पे आप शिफ्ट कर रहे हो। देखिए, ये सबसे बड़ी हमारी सितम जरीफी है। हमने हर लेवल पे, हर प्लेटफॉर्म पे हमने एक बात कही थी कि आप गुरेज तुलैल जैसे हार्ड जोन के लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाइए। हमारे अथॉरिटीज कहते हैं कि हमने ट्रांसफर पॉलिसी रखी है, लेकिन अगर पॉलिसी रखी है तो आप वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होती है। ट्रांसफर पॉलिसी का मतलब है, अगर आपने किसी को वहां पे पोस्टिंग करनी है 2 साल दीजिए उसको, 3 साल दीजिए, उस लिमिटेड टाइम के बाद उसको चॉइसिस बेसिस पे भी अगर ट्रांसफर करना चाहते हो कर दीजिए, लेकिन वहां पे आप 15 साल से एक ऑफिसर चेयर में बैठा हुआ है, 15 साल से एक लेक्चरर एक जगह पे बैठा हुआ है, 15 साल से एक डॉक्टर 7-8 साल से, वो क्या ड्यूटी करेगा वहां पे? और यहां से जाना कौन मानेगा? और जब वहां पे जो है अथॉरिटीज वहां ट्रांसफर करके मुलाजिम को वहां से वापस लाना भूल जाती है, तो आप खुदा रा मुझे बताइए कि आप वहां पे किस तरीके की ट्रांसपेरेंसी रहेगी, किस तरीके की अकाउंटेबिलिटी रहेगी। इस बात को हम समझने से बिल्कुल कासिर है कि टेबलों पे बैठ के ये जो ऑर्डर्स बनाए जाते हैं, इसमें से ग्राउंड लेवल पे इनका कोई ग्राउंड वर्क होता नहीं है, ग्राउंड इन्वॉल्वमेंट इनकी होती नहीं है, जिस वजह से सारा सिस्टम जो है खासकर गुरेज में ऑफिस में इस वक्त जो है हमारा वर्क कल्चर बिल्कुल सफर कर रहा है। डिपार्टमेंट हमारा RDD जिसके मुंसलिक हम है, मैं उसकी बात करूंगा, उसमें भी हमारा बिल्कुल स्टाफ जो है बिल्कुल कम है, स्टाफ नहीं है, 1 JEE 3 ब्लॉक्स को देख रहा है। हालांकि हमारा जो PRIs ग्रांट्स हैं वो हमारा जो बजट होता है, हमारा जो कैपेक्स बजट, उसको अप्रूव हुई है कम से कम 1 महीना होने को आया, लेकिन अभी भी हमारे एस्टिमेट्स जो है वो तैयार नहीं है। तो आप खुदा रहा आप समझ सकते हैं कि हमारा जो एग्जीक्यूशन का वर्क है वो कब हो जाएगा। गुरेज में हार्डली 2 महीने का टाइम रह गया, अगर 2 महीने के अंदर हमारा
अभी एस्टिमेशन तैयार नहीं है, तो अब हमारा एग्जीक्यूशन कहां तक पहुंचेगा ये आप भी समझ सकते हैं। लास्ट ईयर भी हमारे तिलेल के कम से कम 39 लाख रुपए जाया हो गए। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से एक मरतबा फिर गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे जो खासकर आरडीडी डिपार्टमेंट में जो हमारा स्टाफ शॉर्टेज है उसको फौरी तौर पूरा किया जाए। और जहां तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें, मैंने लास्ट ईयर से भी मैं इनके पीछे पड़ा हूं कि आप कम से कम ये वहां पे जो अटैचमेंट तहसील गुरेज और तहसील तिलेल से जो आप लोगों ने अटैचमेंट यहां करके रखी हुई है उसको कैंसिल करके वो अटैचमेंट उनके अपने ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग में उन लोगों को आप वापस भेज दीजिए। और साथ ही साथ आपके माध्यम से गुजारिश रहेगी, हमारे जो रफूजी में रहने वाले लोग हैं, रफूजी 1, 2 और चक बैर तिलेल में आते हैं और बगतौर में भी हमारे कुछ रफूजी रहते हैं जो इस वक्त कब्जे में हैं, जिनके पास कोई लैंड नहीं है। मेरे आपके माध्यम से अथॉरिटी से गुजारिश रहेगी, हालांकि मैंने उनको लिखा भी है कि उनको इस ज़मीन पर मालिकाना हक दिया जाए।